दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं और इससे भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आएगा? और हमारे देश में बनाए गए नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आखिर देश को मिले पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर ही क्यों रखा जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि INS विक्रांत तो 1971 के वार में था। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं तो आज इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस स्वदेशी INS विक्रांत के बारे में। नौसेना में इसके शामिल होने से भारत उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में भी शामिल हो गया जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने INS विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कि कुछ पार्ट्स विदेश से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत के पार्ट्स को बनाने में जितने भी स्टील लगे हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया गया है और इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL की भी मदद ली गई और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे देश में काफी मदद भी करेगी। हमारे नौसेना के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की जो चीजें स्वदेशी है उनमें 23,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2000 वाल्व भी शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कल पुर्जे देश में ही बने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि विक्रांत की खासियत क्या क्या है। कोचिन शिपयार्ड में बने INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है और यह 59 मीटर ऊंचा है और इसके बीम 62 मीटर की है। इस युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से सभी जुड़ी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर बात करें कि इसका वजन कितना है तो इसका वजन करीब 40,000 टन है जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। INS विक्रांत की असली ताकत तब सामने आती है जब यह समुद्र में होता है जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक होती है यानी कि करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसकी सामान्य गति की बात करें तो इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 75 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक युद्धपोतों में शामिल करते हैं। हमारे नेवी के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें MiG-29 के फाइटर जेट के साथ साथ Kamov-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60R सीहाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के होने से भारत की यानी कि हमारे नौसैनिक की क्षमताओं में कितना फर्क आएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देश के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है और अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। कई जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नौसैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। दरअसल भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं लेकिन वे ब्रिटिश या रूसी थे, जहां इससे पहले भारत के दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 1 और INS विराट ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हर्क्यूलिस और HMS हर्मिस थे। तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था, परंतु भारत के द्वारा निर्मित INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश बन गया। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का स्वदेशी INS विक्रांत 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के हीरो INS विक्रांत से कितना अलग है। भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरक्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही था और ब्रिटेन द्वारा खरीदी गई यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। अगर तब और अब के विक्रांत में अंतर की बात करें तो पुराने INS विक्रांत 700 फीट लंबा था, वहीं नया 862 फीट लंबा है। पुराने विक्रांत की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं नए विक्रांत की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने विक्रांत में 40,000 हॉर्स पावर के इंजन थे, वहीं नए में 1.10 लाख हॉर्स पावर के इंजन है। पुराने विक्रांत पर 1,110 सैनिक रह सकते थे और नए में 1,700 सैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही नए विक्रांत में नए और आधुनिक हथियार लगे हैं जबकि पुराने विक्रांत में उस दौर के हथियार लगे थे। अब बात करते हैं कि आखिर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत ही क्यों? इसके पीछे यह कारण है कि भारत का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। और तो और 1997 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले INS विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। और अब आप ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।